हर तरफ यही नजारा है। परिजनों के रोने की आवाज हर किसी की दुखी कर रही है। जहानाबाद में मखदुमपुर प्रखंड क्षेत्र के वानावर पहाड़ के इस हादसे ने कई घरों में अंधेरा कर दिया है। मंदिर पर जितने फूल वाले और पुलिस वाले रहते हैं, उन लोगों ने लेडीज के लाठी से छेक कर हम लोग को टेल दिया गया। जो वहाँ से गिरा शुरू हुआ तो आदमी बीच में सब लेडीज चपने शुरू हो गया, उसमें हम दबा, मेरा बीवी दब गया, मेरा बीवी ना पता। उसके बाद ऐसा ढेर सा महिला और जेंट्स दबे हुए थे, उसमें किसी प्रशासन किसी को मदद नहीं की, किसी फूल वाला वहाँ पर था उस किसी को मदद नहीं किया। मामला क्या, सब लाइन में भीड़, काफी भीड़ थी, लाइन में लगे हुए थे, सब लाइन में लगे हुए थे। तो एक फूल वाला जो सबसे ऊपर है ना, वो फूल वाला से बम का कोई बात लेके झगड़ा हो गया कि हमारे दुकान के तरफ किस झुक रहे हो, तो ये भी लोकल आदमी होगा, वो भी कड़क गया, तो दोनों में डंटा चलने लगा, तो सब पीछे भगदड़ हो गया था। आदमी पर आदमी गिरने लगे, काफ़ी भीड़ था, आदमी पर कितना लोग चप के मर गए, कितना लोग घायल हो गए। 3:15 हम यहाँ बैठे हैं, लेकिन यहाँ कोई अभी मैंने 2 घंटा तक बिजली व्यवस्था नहीं था। उसके बाद DM साहब, SP साहब आए हैं और वहाँ का जो बात है, हम 10 लड़का से बात किए जो पूजा पाठ करके आए हैं, वो बोले हैं कि वहाँ भगदड़ मच गया। भगदड़ का कारण है कि प्रशासन की कमी थी और वहाँ प्रशासन के अभाव में NCC के लड़के लोग, कुछ वॉलंटियर लोग को लगाया गया और वो वॉलंटियर लोग लाठी का प्रयोग कर दिए। इससे पब्लिक लोग इधर उधर भागने लगे और भागने के दरमियान जो कुछ लोग जो गिर गए, वो गिरने के बाद उस पर 10-20-50-100 आदमी उस पर दौड़ के चले गए, तो जो गिर गया वो मर गया। सोमवार के चौथे सोमवार से पहले रविवार शाम से ही प्राचीन सिद्धेश्वरनाथ मंदिर पर भीड़ बढ़ने लगी थी। कहा जा रहा है इसी दौरान धक्का मुक्की की वजह से एक श्रद्धालु एक फूल बेचने वाले पर गिर गया और हालात बिगड़ गए। प्रशासन झड़प और भगदड़ को इसकी वजह बता रहा है। 3 सोमवारी के बाद ये 4th सोमवारी थी। जैसी सतर्कता है, हम लोग उससे ज्यादा सतर्क थे। थोड़ी देर बाद हम लोग आधिकारिक तौर पर बात करेंगे, प्लीज अभी इसको, मेरा जो पर्पस है पहले इसको हमको यहाँ ही करने दीजिए, जो इसका विधिवत प्रक्रिया है उसको हमको करना है। यहाँ पे 7 बॉडी आ चुका है। कहाँ से आया? सब बराबर पहाड़ी से, वहाँ से आया। वहाँ पे भीड़ में भगदड़ हो गई थी, इसीलिए इंजर्ड भी है, वो भी हॉस्पिटल आए हुए हैं यहाँ, और मखदुमपुर दोनों जगह इलाज हो रही है। मखदुमपुर में लगभग 15 या 20 के आसपास वहाँ पे है, और यहाँ पे भी 15 लोग लगभग आए हैं, संख्या नहीं है बट कुछ लोग आए हैं इलाज हो रही है। इतने बड़े हादसे के बाद भी मंदिर में भीड़ बरकरार है। अब पुलिस वाले काफी मुस्तैद दिख रहे हैं, NCC के कैडेट भी व्यवस्था कायम करने में लगे हुए हैं। 2009 में भी इसी तरह का एक हादसा हुआ था, लेकिन लगता है प्रशासन ने कोई सबक नहीं सीखा। ये कहानी जहानाबाद की ही नहीं है, ज्यादातर बड़े मंदिरों के बाहर किसी खास मौके पर इसी तरह की बद इंतजामी दिखती है। हर बार हादसों के बाद वादे बड़े बड़े किए जाते हैं, फिर या तो प्रशासन वादे भूल जाता है या हालात का अंदाजा वक्त रहते नहीं लग पाता है। लेकिन हकीकत यह है कि प्रशासन के पास भी नियंत्रण का कोई तरीका ही नहीं होता है। जहानाबाद से मुकेश के साथ मनीष कुमार, NDTV इंडिया के लिए।